हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस बी मैथमेटिक्स में। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ बेसिक यूनिट्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसी भी यूनिट को कैसे करते हैं कन्वर्ट, लोवेस्ट यूनिट टू हाईएस्ट यूनिट और हाईएस्ट यूनिट टू लोवेस्ट यूनिट। चलिए आज देखते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देख चुका था कि किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें और मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं उसी का अगला। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले आप लोग को पता है क्या, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 1 घंटा बराबर कितना 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये सब हमारे बेसिक यूनिट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए। तो क्या था पहला दोस्तों, मीटर और किलोमीटर में हम लोगों ने चेंज कर लिया था। ठीक है, तो सेम टाइप से आपका क्या हो जाएगा, लीटर और मिलीलीटर में हो जाएगा और केजी और ग्राम में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें, क्या यहाँ पे आपको दे देगा क्वेश्चन वन, ये एग्जाम्पल ही है आपका। ठीक है, तो अगर बोल देगा क्या 5 लीटर को, ठीक है, मिलीलीटर में बदलें। ठीक है, तो ये इसको क्या कर देना दोस्तों, सिंपल जिस टाइप से आप क्या करते थे केजी को क्या करते थे, सॉरी, आप जिस तरह से किलोमीटर को मीटर में चेंज करते थे उसी टाइप से आपको क्या करना है, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो ये लीटर आपका बड़ा यूनिट है और ये क्या था, मिलीलीटर आपका छोटा यूनिट। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जब भी बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना हो या बदलना हो तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई उतने से करना है जितना उनके बीच होगा रिलेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, 1 लीटर बराबर कितना एमएल होता है, कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर, तो आपको पहले ही पता है क्या, सॉरी, क्या होता है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे दिया है क्या 5 लीटर, तो इसको क्या करना है 5 गुना 1 लीटर। ठीक है, अब आगे इसको जब सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका 1000 मिलीलीटर। अब इसको आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 1000 बोले तो 5000 मिलीलीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया कन्वर्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी टाइप से अगर क्वेश्चन आपको मिलीलीटर में दिया हुआ हो और आपको बोल दे कि उसको लीटर में चेंज करो, तो सेम टाइप से जिस टाइप से आप क्या करते थे मीटर से आप किलोमीटर में चेंज करते थे उसी टाइप से आपको मिलीलीटर से लीटर में चेंज कर देना है। तो चलिए एक देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्या, आपको अगर बोल देगा क्या यहाँ से 10000 मिलीलीटर को लीटर में बदलें। ठीक है, तो क्या कर देना है, कुछ भी नहीं, डिवाइड कर देना है आपको कितने से, 10000 मिलीलीटर है, अब इसको डिवाइड कर देना है कितने से, 1000 से। तो अब इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 10 लीटर। क्या दोस्तों, 10 लीटर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आगे है आपका क्या, केजी से ग्राम में बदलना। ठीक है, तो यानी कि देखिए, आपको जैसा पता है कि 1 केजी बराबर क्या होता है 1000 ग्राम, तो सेम टाइप से जिस टाइप से आप क्या किए अभी किए ना चेंज लीटर से मिलीलीटर में, तो सेम टाइप से आपका ग्राम से केजी में हो जाएगा, केजी से ग्राम में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी एक एग्जांपल लेके देख लेते। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा क्या, 15 केजी को ग्राम में बदलें। क्या करना है आपको, ये 15 केजी इसको आप ग्राम में बदलना है, क्या होता है 15 गुना 1 केजी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या जानते हैं, 1 केजी बराबर होता है आपका 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कीजिए 15 गुना 1 केजी, अब क्या हो जाएगा 15 गुना 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, क्या होता है 1000 ग्राम, तो इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा आपका 15000 ग्राम। ठीक है, चलिए अब लास्ट में मैं आप लोग को इन्हीं के बेसिस पे HW देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो लाइव तक जरूर देखिएगा। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, टाइप 2 हो जाएगा आपका। क्या ग्राम में दिया हुआ रहेगा, अब उसको आपको किस में चेंज करना है, केजी में चेंज करना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं यहाँ आपका दिया हुआ है कितना 25000 ग्राम, अब इसको आपको चेंज करना है किस में,
केजी में, ठीक है, क्या करना है आपको, बदलना है। चलिए देख लेते हैं, तो इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको हजार से देना है भागा। तो ये 2500 ग्राम था, इसको भागा तो देगा कितने से, हजार से, ठीक है। ये किस में आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 25 केजी, ये आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पॉइंट से जो पहले होता है, ठीक है, तो आपका किस में रहेगा, केजी में, और जो पॉइंट के बाद होता है वो किस में रहेगा आपका, ग्राम में। तो जब इसको आपको पढ़ने बोला जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, 15 केजी 255 ग्राम, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या, रुपया से पैसा में कैसे बदलेंगे और पैसा से रुपया में कैसे बदलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, एक बार और याद कर लीजिए, जब भी हम क्या करते हैं, बड़ा यूनिट को छोटा में चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लाई, और जब छोटा यूनिट को ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि रुपया को पैसा में कैसे चेंज करें और पैसा को रुपया में कैसे चेंज करें, ठीक है। तो चलिए जल्दी बदलने वाले हैं, चलिए बदलते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए यहाँ पे क्या दे देगा, 6 रुपये को पैसे में बदले, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे लिख लीजिए रिलेशन, 1 रुपये बराबर कितना पैसा होता है आपका, 100 पैसा, ठीक है, यानी 100 पैसा। चलिए देखते हैं, ये आपका क्या था, ये रिलेशन है उनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं क्या, जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे 6 गुना 1 रुपये, सेम टाइप से 6 गुना 1 रुपये में कितना पैसा, 100 पैसा, यहाँ हो जाएगा क्या, 100 बोले तो 600 क्या हो जाएगा, पैसा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला, इसी टाइप से एक और ले लीजिए, जैसे अगर इसी का दूसरा टाइप रहेगा तो आपका कैसे रहेगा, ऐसे ही दे देगा, देखिए यहाँ क्या बोल देगा, 15 रुपये 50 पैसे को पैसे में बदले, कैसे, पैसे में बदले, ठीक है। तो ये देखिए पैसे का कुछ हमको करने करना किसके साथ है, रुपए के साथ, ये कितना है, 15 रुपये है, इसका पहले क्या कर लो, पैसे में चेंज कर लो, 15 गुना 1 रुपये बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुना 100 बोले तो 1500, ये पैसा में आ गया, ये मेरा 50 पैसा पहले से था, इसे में क्या कर देंगे, 50 पैसा कितना हो जाएगा आपका, 1500 और 50, 1500 50, ये आपका हो गया क्या, पैसा, ये आपका आंसर दे देगा। मान लीजिए क्या, ये 700 पैसे को रुपए में बदलें, ठीक है, क्या है 700 पैसे, इसको आपको रुपए में बदलना, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल डिवाइड कर देना है, क्या हो जाएगा, 700 बटा में 100 कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7 रुपये, ठीक है, सिंपल ऐसे ही, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपका आता है क्या, मिनट से घंटा में बदलना और घंटा से मिनट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इससे पहले आप जान लो क्या, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका, 4 घंटे को मिनट में बदलें, ठीक है, ये 4 घंटा दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, मिनट में बदलना है। तो चलिए अब बदलना शुरू करते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सेम टाइप से, ये क्या है, घंटा आपका बड़ा यूनिट है और मिनट आपका छोटा, तो बड़ा से जब भी हम छोटा कर में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, गुना। अब गुना करना कितना से, वो तो आप लोग को पता है, कितने से करना है, 60 से। चलिए देखते हैं क्या है, 4 क्या दिया हुआ, घंटे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 घंटा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना 60 बोले तो 4×6 24 और ये 0 कितना हो जाएगा, 240 मिनट, ये आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और देख लेते हैं, कितना मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 10 घंटे को क्या करना है, मिनट में बदलें, ठीक है, 10 घंटे को क्या करना है, मिनट में बदलना है। तो चलिए अब हम लोग बदलते हैं, ठीक है, चलिए
10 घंटे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 10 घंटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 गुना 1 घंटे, अब 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, 10 गुना 60 बोले तो कितना 600 मिनट, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी का उल्टा देख लेंगे, क्या मिनट से घंटा में बदल लें, क्या करना है आपको, अब इसी से जब मिनट से घंटा में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, क्या यहाँ पे दे देगा मान लीजिए कितना, 80 मिनट को घंटा में बदले। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपको, क्या कर देना है 60 से डिवाइड कर देना है, 80 है बटा में क्या कर दो 60 कर दो, यहाँ पे 1 0 1 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 2 चौके 8, 2 3 6, अब यहाँ पे आपका कितना है 4/3 घंटा। अब इसको आप चेंज कर दो तो क्या होगा, 3 1 3, यहाँ से 1 निकला 1 बटा, यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा घंटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, पॉइंट में भी ला सकते हो। ठीक है, चलिए इसी का हो जाएगा दूसरा देख लेते हैं, क्या मान लीजिए आपका यहाँ पे दे देता कितना 180 मिनट, 180 मिनट को क्या करो घंटे में बदले। ठीक है, क्या करना, 180 को आप सिंपली 60 से डिवाइड करो, 6 6 18 कितना हो गया 1 घंटा। तो हम आगे देखते हैं क्या, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे चेंज करें और सेंटीमीटर से मीटर में कैसे चेंज करें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है, 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए जब भी आपको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, गुना करोगे कितने से, 100 से, और जब भी आपको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, 100 से दे देना है भागा। चलिए अब देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन अक्सर ये मीटर में ही दिया हुआ रहता है, और मीटर सेंटीमीटर में क्या करना पड़ता है, हम लोग को चेंज करना पड़ता है जिस समय हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे बोल देगा क्या 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 मीटर रहता है, आप इसको क्या कर दो 5 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा आपको 500 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा ले लीजिए, क्या हो जाएगा जैसे 15 मीटर को सेंटीमीटर में बदले, क्या करना है, ये 15 मीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देना, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए आप इसी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या होता है कि जब दिया हुआ रहता है क्या सेंटीमीटर में और आपको चेंज करना होता है मीटर में, जैसे यहाँ पे दे देगा क्या 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदले। ठीक है, इस टाइप से आता है, तो क्या करना है, इसको 100 से डिवाइड करना है, तो 15 बटा क्या कर दो 100, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कैसे कर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा क्या आपका 0.15 मीटर। ठीक है, इसी टाइप से इसका दूसरा देख लेते हैं, जैसे कभी कभी आता है क्या 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदले। ठीक है, 500 सेंटीमीटर को क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, तो आप क्या कर दोगे, ये 500 सेंटीमीटर को सिंपली आप 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आपका आ गया क्या 5 मीटर, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए
देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है क्या, 15 किलोमीटर को मीटर में बदलें। पहला आपका दे रखा है 15 किलोमीटर, जिसको आपको मीटर में चेंज करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 5 केजी को ग्राम में बदलें, 5 केजी को आपको ग्राम में बदल देना है। तीसरा क्वेश्चन है आपको 15 घंटे को मिनट में बदलें। अब चलिए अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है आपका क्या, 2500 मीटर को किलोमीटर में बदलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 1350 मिनट को आवर में बदलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, आपका है यहाँ पे क्या, 400 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्या, 15 मीटर को सेंटीमीटर में बदलें। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।